तो ये है बन, इसके अंदर ये लेयर रहा बटर रहता है ना अंकल जी, बटर और रबरी, बटर और रबरी। हेलो गाइस, तो आज हम आए हैं इस अंकल के पास कुछ ट्राई करने, कुछ अनोखा गया में। अभी हम लोग हैं इस लोकेशन का है आज़ाद पार्क के जस्ट पीछे वाला एरिया है, ये है दबा मंडी गया का, ये है श्री नरसिम्हा स्थान गया में, वहीं पे अंकल कुछ बेचते हैं, देखते हैं क्या क्या है। अंकल क्या क्या बेचते हो? सर ब्रेड में बटर और राबड़ी देते हैं। अच्छा, और ये छेना है और स्पंज रसगुल्ला छेना, तो एक बना के दिखा दीजिए जरा, कैसे है प्राइस? अभी सर 20 रुपये जो है ब्रेड है। अच्छा, बनाइए अंकल बनाइए। कब से बना रहे हैं? 2017 2017 में से ओपन किए हैं यहीं पे? जी सर। ओ मतलब लगभग 5 साल हो गया? जी हाँ 5 साल हो गया। गया में कहाँ से आप हैं जी? कहाँ से आप हैं? हम सर बिहार से। बेला जी फिर क्या हुआ बाबू? हाँ 20 रुपया। चलो तो अंकल बेला से हैं और बेला से रोज आते हैं गया बाय ट्रेन या बाय और ऑटो, मतलब 5 साल से रोज आते हैं, अप डाउन रोज करते हैं। टाइमिंग क्या है वैसे? टाइमिंग सर 1:30 बजे, मतलब 1:30 ओपन कर देते हैं, 1:30 बजे 2 बजे ओपन हो जाता है, मतलब 1:30 से 2 के आसपास में खोल देते हैं। और कितना बजे तक खुला रहता है? 9 बजे। 9 बजे रात तक, उसके बाद दोबारा जाता है वापस बेला? बेला। लोगों का रिस्पांस कैसा है, ये मतलब खाकर लोग आते हैं कि नहीं आते हैं? जी हाँ बहुत आते हैं, लोगों का रिस्पांस अच्छा है। लाइए ट्राई करते हैं। तो ये है बन, इसके अंदर ये लेयर रहा बटर रहता है ना अंकल जी, बटर और रबरी, बटर और रबरी, ज़्यादा नहीं बस। इसका प्राइस 20 रुपीज़ है, अगर देखा जाए तो काफ़ी सस्ता है क्योंकि सब होममेड रहता है ना, खरीद के लाते हैं जी? नहीं अपना प्रोडक्ट है, सब घर पे बनाते हैं जी, घर पर बनाते हैं, सारा कुछ घर पे बनाया हुआ रहता है, काफ़ी ठीक है मतलब 20 रुपये में। और ये स्पंज कितने का है? स्पंज सर 12 रुपये। 12 रुपये इधर हटा के दिखा दीजिए, ये भी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा है। इस दुकान का नाम तो अभी रखे नहीं अंकल? बिना ऐसे नाम भी है इसका अपना दुकान है जी, साधु दादा। साधु दादा, तो याद रखिएगा साधु दादा के पास आपको आना है, इनका ज़रूर ट्राई करिए। ऐसे तो हम ट्राई कर लिए, ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि नहीं वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए दोबारा बना रहे हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छा है जेन्युइनली, यू मस्ट कम। और 20 रुपये बस पी से ज़्यादा महंगा नहीं है, तो आइए ट्राई करिए और ज़रूर इनका हेल्प करिए। फिर से बता दे रहे हैं नरसिम्हा स्थान, ये रहा आपका तेकारी रोड, आगे है आज़ाद पार्क, आज़ाद पार्क जस्ट पीछे ये लगाते हैं। चलिए थैंक यू अंकल, खा कर ट्राई करते हैं फिर से।